आपको तो पता ही है कि समुद्र कितना गहरा है और इस गहराई में इतने ज्यादा राज दफन है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर बात करें इनमें रहने वाले जीवों की तो उनमें से सबसे ज्यादा मछलियों का ही नाम आता है और उन्हीं मछलियों में से सबसे अनोखी मछली जिसका नाम स्टारफिश है। आपको बता दें कि स्टारफिश के पैर नहीं होते लेकिन फिर भी ये मूवमेंट करती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे स्टारफिश के बारे में। समुद्र में पाए जाने वाली एक ऐसी मछली जिसके पांच भुजाएं निकली हुई होती हैं। इन मछलियों का रंग चमकीला होता है, जैसे लाल, नारंगी, नीला, भूरा आदि। इनकी ऊपरी सतह चिकनी दानेदार होती है। आपको बता दें कि स्टारफिश में रीढ़ की हड्डी या कोई अन्य हड्डी नहीं होती है, यह बहुत ही लचीली होती है। इस मछली की भुजाओं पर दो कतारों पर ट्यूब फिट होती है जिनकी मदद से यह चलती है। इस फिश की आयु लगभग 10 से 35 वर्ष के आसपास मानी गई है। आपको बता दें कि स्टारफिश धरती पर कम से कम 450 मिलियन वर्षों पहले से मौजूद है। इसके अलावा अगर आप स्टारफिश को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनकी आंखें नहीं होती हैं, पर सच ये है कि इनकी जितनी भुजाएं होती है उतनी ही आंखें होती हैं। हालांकि उनकी आंखें हमारी तरह सक्षम तो नहीं होती लेकिन फिर भी वह उन आंखों से देख सकती है। वैसे तो स्टारफिश में बहुत सारी खूबियां होती हैं, लेकिन एक अनोखी खूबी यह है कि स्टारफिश का मुंह स्टारफिश के पेट के अंदर होता है। जब उसको भोजन करने की आवश्यकता होती है तब वह अपने पेट के नीचे वाले हिस्से से अपने मुंह को बाहर निकालती है और शिकार करने के बाद में अपने मुंह को वापस उसके पेट के अंदर ले जाती है। आपको बता दें कि स्टारफिश कोई मछली नहीं है, वो इसलिए क्योंकि इसके पास कोई गिलसक, शल्क या पंख नहीं होते। समुद्री स्टारफिश केवल खारे पानी में रहते हैं। रक्त के बजाय समुद्री पानी वास्तव में जल संवहनी प्रणाली के माध्यम से उनके शरीर में पोषक तत्वों को पंप करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपको बता दें कि स्टारफिश एक जलीय जीव होने के कारण बाकी मछलियों की तरह इसमें सहन शक्ति नहीं होती। मात्र 2 से 5 मिनट के अंदर इसको पानी से बाहर निकलने पर यह मर जाती है। दुनिया के महासागरों में स्टारफिश की लगभग 1600 अलग अलग प्रजातियां रहती हैं, जहां वे ज्वारीय तालाबों, चट्टानी तटों, समुद्री घास के मैदानों और प्रवाल भित्तियों सहित हर प्रकार के आवास में रहती हैं। कुछ प्रकार की स्टारफिश तो 9000 मीटर गहरे रेतीले समुद्र तल पर भी पाई जाती हैं। आपको जानकारी हैरानी होगी कि स्टारफिश के भी दुश्मन होते हैं और दुश्मनों में केकड़ा, बड़ी मछलियां, झींगे आदि आते हैं, लेकिन जब यह शिकारी इस पर अटैक करते हैं तो इसकी एक या दो भुजा उनके पकड़ में आती है जिसे यह छुड़ाकर भाग जाती है। लेकिन केके इसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी पाई जाती है कि टूटी हुई भुजा को यह वापस नहीं उगा सकती है।